हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन नोडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं निकल चुका हूं एक और नई राइड पे, और ये राइड चलने वाली है 8 से 10 दिन नेक्स्ट। और इन 8 से 10 दिनों के बीच में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ पहाड़, नदियाँ, हिली रोड्स, धार्मिक स्थल, सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊँगा अपने ब्लॉग में। और मैं तो घर से 1-1.5 घंटा पहले निकल चुका हूँ, बट रास्ते में मुझे ये खूबसूरत खेत दिखे। और ये देखो, एक साइड पूरे पेड़ हैं, दूसरी साइड ये पहाड़ हैं, ये सुंदर सा हाईवे है। तो मैंने सोचा यहीं से क्यों ना अपने ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो मेरी राइड है 8 से 10 दिनों की, ये होने वाली है स्पीति की, लाहौल स्पीति की। और ये 8 से 10 दिन में मैं कवर करने वाला हूँ बहुत सारे प्लेसेस। इस टाइम मैं हूँ जोगिंदर नगर और मंडी के बीच में, और यहाँ से हम जाएंगे मंडी, कुल्लू, मनाली, और मनाली से आगे केलांग, और केलांग से आगे हम जाएंगे उदयपुर, केलांग में रुकेंगे। और ये है जो आज के ब्लॉग में हम प्लेसेस जो हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज, ये बाइक भी फुली रेडी है इस टूर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें थी इसमें वो मैंने अभी ठीक करवाई हैं। और इस राइड में साथ में मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ में टैंक बैग, और बाकी के लगेज जो हैं वो गाड़ी में है मेरे साथ। इस राइड में हम टोटल 5 लोग जा रहे हैं मुझे मिला के, तो वो सभी गाड़ी में जा रहे हैं, और गाड़ी में मैंने सारे लगेज रख दिए हैं अपने। तो बाइक पे इतना कुछ वेट नहीं है, ओनली हाइड्रेशन बैग है, और ये टैंक बैग है जिसमें मेरे बाकी गैजेट वगैरह जो मुझे इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी वो रखे हुए हैं। तो ये है भाई, तो जो बाकी हैं वो अभी पीछे हैं, वो आ रहे हैं। और मुझे पेट्रोल वगैरह डलवाना है, तो मैं आगे कहीं पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवाऊंगा, और वहीं उनका वेट करूंगा। मौसम जो है अभी धूप है हल्का हल्का सा, और देखते हैं पेट्रोल पंप कितनी दूरी पे है। अभी तेल तो वैसे है ही, बट एक बार फुल करवा लेंगे, उसके बाद मनाली में जाके देखेंगे फुल करवाने की जरूरत पड़ेगी तो। और उसके बाद केलांग में भी होगा पेट्रोल पंप के आगे, तो मेरे को लगता है कि होगा कि नहीं होगा। हमें इस सफ़र पे ना एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी करना पड़ेगा साथ में। और फर्स्ट डे जो हम निकलने वाले थे सुबह 4 बजे, बट थोड़ा सा लेट हो गए, निकलते निकलते 8 ही बज गए हमें, 4 घंटे की देरी से। तो मनाली के लिए तो 4.5 घंटे लगते हैं, 5.5 घंटे। और भाई ये जो है, ये जगह है सब मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के मेरे 3-4 ब्लॉग और भी हैं, शिकारी देवी वाला ब्लॉग, जंजेली वैली, उसके बाद सुंदर नगर, और उसके बाद का ये मंडी के जो मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं। तो ये सारे ब्लॉग हैं अपने, वो देख सकते हैं आप सभी। पहाड़ियों पे लोगों के मकान बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये देखो सामने हैं। आप इधर से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये तो नहीं पता, बट सुंदर से हैं, बहुत सुंदर मकान है, पहाड़ियाँ हैं। मंडी जो है वो पहाड़ी पे बसा हुआ जिला है हिमाचल का। चलो जी, डलवा लेते हैं हम पेट्रोल। भाई फुल करना है, गर्मी बड़ी है, गर्मी यहाँ पे कम है। तेल डल गया, 7.41 लीटर डला। ये बच गया, देखो एक्सीडेंट हो जाता अभी। गाड़ी वाला कहाँ जा रहा था यार, मैंने देख ली थी बस आ रही उस साइड से। और ये सामने जो दिख रहा है ये भीमा काली मंदिर, जो मैंने अभी बताया आपको कि मैंने कवर किया है। और ये मनाली यहाँ से 107 किलोमीटर है। हमें इस ब्रिज से अब लेफ्ट लेना है मनाली की तरफ, और ये राइट साइड में अगर आप जाओगे शिमला चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है रास्ता। है पूरी ब्यास नदी के किनारे हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे मनाली की तरफ, कुल्लू मनाली की तरफ। आज तो इसका पानी नीला है, लास्ट टाइम आया तो पूरा मिट्टी के रंग का था। पब्लिक नहा रही है देखो नदी में, बहुत गहरी होगी यार, हमें पता नहीं चलता। ये ऊपर से एकदम पानी छोड़ देंगे डैम से, और सेफ भी नहीं है। कई ऐसे हादसे हुए हैं पास्ट में कि पब्लिक नहा रही है या पानी में, या घूम रहे नदी के किनारे और ऊपर से डैम से पानी छोड़ा और बह गए। तो सेफ्टी का ध्यान रखती नहीं है पब्लिक, नदी के किनारे जाना नहीं चाहिए वैसे, जहाँ जिस खास कर जिस नदी पे डैम होना बने हुए उस नदी के किनारे कभी ना जाए नीचे, कि कब पानी छोड़ दें ऊपर से और कभी फ्लड आ जाए कोई पता नहीं। सो अभी मैं कर रहा हूँ क्रॉस पंडो, और देख लो भाई पानी छोड़ा, एक आध गेट खोल रखा है इस डैम का, पंडो डैम का। फिर से डाइवर्सन ख़त्म कर दिए क्या? अभी वापस नॉर्मल रूट फॉलो कर रहे हैं क्या? ये पहले इस नीचे वाले रोड से जाते थे, अभी राइट साइड से जा रहे हैं। ठीक है, अभी पहले नीचे उतरते थे फिर जाते थे।
और ये है पंडोर डैम। पंडोर डैम जो है ये ब्यास नदी पे बना हुआ है और ये हम इसी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, बगल बगल में ब्यास नदी मिलती रहेगी हमें। और जाम तो मेरे को मिलता आ रहा है काफ़ी देर से, मैं पिछले घंटे से जाम ही झेल रहा हूँ। मंडी के बाद जाम ही मिला मुझे, मनाली 99 किलोमीटर, और ऐसे जाम मिलेगा तो टाइम लगने वाला है भाई। हल्की हल्की ठंडी हवा जब आप बाइक चला रहे हैं तो लग रही है, तो बेटर फील कर रहे हैं। और ये पता नहीं कितने किलोमीटर एरिया का मैं फैला हुआ, ये तो एग्जैक्ट मुझे अभी मालूम नहीं है, बट काफ़ी बड़ा है यार ये। और धीरे धीरे हम इन पहाड़ों पे चढ़ाई चढ़ेंगे। अभी बाइकर्स ऊपर से भी कई आ रहे हैं, देखो ये हैं, और कई ऊपर भी जा रहे हैं मनाली की तरफ। यहाँ से दिखेगा आपको पूरे नज़ारे इस पंडोर डैम के। पता नहीं मेरा कैमरा उतना डैम की साइड फेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहीं रुक जाते हैं, हम भी देख लेते हैं पंडोर डैम के नज़ारे। ये देख लो भाई, अति सुंदर। और डैम के ऊपर जिनके घर हैं ना उनको, तो शाम को उधर बैठ जाओ किनारे पे, डैम के नज़ारे लेते रहो, ठंडी हवा का आनंद लेते रहो बस। कुछ काम चल रहा है पता नहीं किस चीज़ का। क्रेन से कुछ उठा रहे हैं। और मनाली यहाँ से 86 किलोमीटर ले है 512 किलोमीटर, और हम अब बढ़ रहे हैं खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। और अभी टाइम 12:30 हो चुके हैं दिन के। देखो भाई, कई कई जगह आपको ना 4 लेन मिलेगा, अभी काम चल रहा है इस 4 लेन का, कहीं कहीं बन चुका है तो बढ़िया है, कहीं कहीं सिंगल है। अभी हाईवे जो बनाना बहुत चैलेंजिंग है इन पहाड़ों पे, पहाड़ों को काटो बड़े बड़े, और जब पहाड़ कटते हैं तो वो बार बार गिरते भी हैं, तो वो काम बढ़ जाता है उनका, और सेफ्टी जो है वो भी कंप्रोमाइज है। आगे तो इस हाईवे पे 2-3 टनल मिलेंगी हमें। ये देखो 2 टनलों का काम और चल रहा है, ये कब खुलेंगी ये नहीं पता, वो काम चल रहा है। एक आने के लिए बनेगी, एक जाने के लिए बनेगी। ये बन जाएगी तो और सफ़र कम हो जाएगा कुछ 1 किलोमीटर। तो टनल नंबर 11 आ चुकी है, फर्स्ट टनल हमारी मंडी टू कुल्लू के बीच की टनल है, टनल नंबर 11। चलो जी, देखो भाई मजा आ रहा है, थोड़ा सा धूप से राहत मिली है। और इसी के साथ में एक टनल नंबर 11 ख़त्म हुई और टनल नंबर 12 भी साथ साथ में ही है। चलो जी, निकल गए हम 2 टनल क्रॉस करके। अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, थोड़ा सा ना ठंडा हो गया ना बॉडी टनल के अंदर। एक और टनल साथ साथ में आती हुई, ये है टनल नंबर 13। गाइस अभी सिट्रप ऐसा है कि मैं हूँ कुल्लू से 8 किलोमीटर दूर, और मैं रुका था पानी वगैरह पीने के लिए, गर्मी बहुत है। मैंने फ़ोन किया बाकी साथियों को जो कार में आ रहे हैं, वो अभी पीछे हैं, ट्रैफिक भी है और कुछ कार का इशू है, कार में कुछ इशू हुआ है तो चेक करवा रहे हैं मैकेनिक से। तो मैंने बोला उनको कि मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए, मनाली में मिलते हैं। चलो पानी पी लिया, मज़ा आ रहा है भाई। वाह, चलाते टाइम तो नहीं लग रही है गर्मी, चलाते टाइम ठंडी हवा का आनंद आ रहा है।
तो गाइस अभी लगने लगी है भूख, टाइम 2:16 हो चुके हैं। तो अभी रुकते हैं कहीं ढाबे पे, खाना खुना खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सफ़र पे। मनाली यहाँ से है 25 किलोमीटर के आसपास में, और ये रोड बरसात के बाद में ना नवंबर दिसंबर में आया था, तब ये बिल्कुल कच्चा था, पूरा टूटा हुआ पैच, बट अभी ठीक है, कर दिया उन्होंने पक्का इसको और ठीक है। ब्यास नदी को देख के पता लगा ही सकते हैं कितना तांडव मचाया था इसने इस कुल्लू मनाली वाले हाईवे पे। अरे देखो राफ्टिंग के लिए रखी हुई है, राफ्टिंग होती है इधर, पीछे बहुत हो रही थी। सो गाइस मैं रुका हूँ यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए, मनाली से 20 किलोमीटर पहले। पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, गर्मी तो है बट आप बाइक राइड कर रहे हैं तो चलते टाइम आपको ना गर्मी नहीं लग रही है। लंच करूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर चलूँगा मनाली के लिए। लो जी खाना भी आ गया अपना, अब करते हैं लंच। भूख बड़े ज़ोरों से लगी हुई है, तकरीबन आधा घंटा से सोच रहा था कि मैं रुकूँ, फिर फाइनली ये जगह रोड के बगल में दिखी तो मैं रुक गया इधर। सो गाइस अभी खाना हो गया मेरा कंप्लीट, बट हमें बात की बाकी साथियों से, अभी भी एक घंटा और लगने वाला है जो गाड़ी में डिफेक्ट आया उसको कंप्लीट होने में। एंड मेरी लोकेशन से वो 91 किलोमीटर पीछे हैं, और 91 किलोमीटर कवर करने में उनको 2 घंटे 40-45 मिनट लगने वाले हैं। अगर वो एक घंटे में फ्री होते हैं, अभी टाइम हो रखा है 3 और 4 बजे तक वो गाड़ी का काम होगा, 4 बजे वहाँ से चलेंगे तो 6:45 के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट किया है कि मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, भाई ने बोला हाँ बैठ जाओ, तो 1 घंटा इधर रुकूँगा फिर धीरे धीरे मनाली की तरफ बढ़ूँगा। तो ये एज ऑफ नाउ प्लान जो है। सो गाइस लंच करके मैंने रेस्ट की यहाँ पे, और तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं यहाँ पे रुका रहा। कौन सा ढाबा है? ये है कर्मा फैमिली ढाबा है, भाई ने बोला कि हाँ ठीक है रेस्ट कर सकते हैं, मैंने रेस्ट की, बिकॉज जो पीछे वाले हैं वो तो बहुत पीछे हैं और आगे हैं, तो मैं उनके बिना जाऊँगा नहीं, उनका वेट करूँगा, साथ में जाएंगे आगे। तो अभी मैं धीरे धीरे निकलता हूँ मनाली की तरफ, और ये खड़ी है अपनी बाइक सही है, अभी खाया मैं, बाइक खड़ी थी ना, बैटर है गर्म नहीं है। बादल देखो, मैंने बताया ना पहाड़ों पे बादल हो गए हैं काफ़ी, ये अच्छे संकेत नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, और रेस्ट कर ली, थोड़ा सा पावर नैप भी ले ली मैंने, और थोड़ा एनर्जी से भर गया मैं अभी। तो मैं हूँ मनाली में, और न्यू हिमालयन भी अभी मनाली में आपको ना रेंट पे मिल जाएगी, जो रेंट पे देते हैं उन्होंने उनकी दुकानों पे, न्यू हिमालयन भी है 450। और मैं रुकूँगा एक अच्छी सी जगह देख के, मनाली से आगे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है उनके बिना, हमें तो आगे कैलांग के लिए निकलना है, पर वो आ जाते हैं एक बार तो फिर निकलेंगे। और यहाँ पे जो कपड़े लटका रखे ना, ये टूरिस्टों को रेंट पे दिए जाते हैं, पैसे लेते हैं एक दिन के वजन कितने ऊपर जब टूरिस्ट जाते हैं घूमने। हिमालयन का बड़ा क्रेज है इंडियन जनता में, बस यही है दुख हिमालयन का कि इसकी रिलायबिलिटी नहीं है। तो गाइस मैं यहीं रुक के वेट करूंगा, वैसे अभी तो अंधेरा हो ही जाएगा जब तक वो आएंगे, बट मैं वेट यहीं करूंगा। ए लो जी मोड पे हमने लगा दी रोड के बाहर बाइक, सुंदर सुंदर रोड जो बीआरओ की देन है भाई पहाड़ी इलाकों में। सो गाइस मैं रुका हूँ यहाँ मनाली से ऊपर आके, और देखो भाई वहाँ चल रही है जिप लाइन, वहाँ से जा रहे हैं जिप लाइन में बंदे और चले गए उस साइड, और आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य इन पहाड़ों के। अभी उनसे बात हुई है, वो पंडोह के आसपास पहुंचे हैं, अभी भी उन्हें टाइम लगने वाला है, तो अभी डिसाइड ये हुआ कि मैं चल देता हूँ जहाँ पे नाइट स्टे करना है। नाइट स्टे जो है हमें कैलांग में करना है जाके, मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए, वो रात को जब भी आएंगे पहुँच जाएंगे कैलांग, तो ये प्लान है। तो मैं निकल चुका हूँ, मैप लगा लिया है, मनाली तक तो ज़रूरत नहीं है, वैसे कैलांग तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, 63 किलोमीटर और है, तो ETA है 7:14 का वहाँ पे। चलो चलते हैं, और देखो भीड़ देखो भीड़, ट्रैफिक जैम, और होप कि हमें जाते टाइम ना मिले, आते टाइम तो है पब्लिक वापस आ रही होगी, पर जाते टाइम नहीं मिलना चाहिए। और मैं तो इन घाटियों के आनंद लेते लेते आगे बढ़ूंगा। जिप लाइन 200 रुपीज़ में कर सकते हैं, यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड छोड़ेंगे और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे वापस आने के लिए 200 और दो,
ये तरीका होता है वैसे कमाने का, एक साइड से बंदा चला जाएगा उस साइड, उसकी गाड़ी वगैरह या सभी इधर होंगे तो वो वापस आएगा ही, 400 रुपया खर्चना पड़ेगा उसको। ओ भाई शाम नज़ारे देखो, नज़ारे क्या ही खूबसूरत। और हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास में, और सामने देखो पहाड़ों पे माहौल देखो। साउथ पोर्टल से एंटर करेंगे और नॉर्थ पोर्टल में निकलेंगे जाके। 10,000 फीट की, 10,040 फीट की ऊंचाई पे है ये। चलो जी, लाइटिंग प्रॉपर है इस बार तो, लास्ट टाइम आया तो आधे रास्ते में लाइटिंग नहीं थी। देखते हैं नॉर्थ एंड पे माहौल कैसा है, मौसम वेदर कैसा है। अभी भी मौसम ठंडा हो रखा है, ठंड लग रही है हल्की हल्की, हाँ ठंडे हो रहे हैं हल्के हल्के से। निकल गए हम नॉर्थ एंड पे आके, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस तो जनता है इधर बहुत सारी। ये मेरे मनाली वाला ब्लॉग जिसने नहीं देखा देख लेना है, उसमें मैं ये सब कवर किया था, दिखाया था। और अभी हम इस जो ब्रिज है ना यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट केलांग की तरफ, और जो राइट साइड जो दिख रहा है रोड मेरे सामने वो जा रहा है रोहतांग दर्रे की तरफ, और ये चंद्रा नदी पे बना हुआ है चंद्रा ब्रिज है। यहाँ से ले 396 किलोमीटर लेफ्ट साइड में है कारगिल, 450 किलोमीटर श्रीनगर, 560 और काजा 144, वो उस साइड तो जाना नहीं है हमें, हमें यहाँ से जाना है। देखो भाई धूप चमक रही है, पानी चमक रहा है धूप से, और लास्ट टाइम ये सब दिखाया था। देखो बर्फ अभी भी है, वाइट कलर की जमी पड़ी है। कितने का टिकट है भाई? एक बाइक है मेरी 50 ना, 50 रुपये की पर्ची लगती है इधर, कटवा ली हमने, चढ़ावा चढ़ा दिया, और यहाँ से आगे से लाहौल स्पीति की सीमा भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ठंडे हो रहे हैं, ग्लव्स हैं दूसरे वाले,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से टाइट अभी कंफर्ट हुए नहीं है, मैंने पहने थे दिन में बट फिर खोल दिए मैंने। और ये देखो पहाड़, बंजर पहाड़ भी दिखने लगे। हो सकता है आइस जमी हो, आइस नहीं जमेगी, वैसे धूप पड़ रही है ना इसका, सो सुबह तो हो ही भी सकता है बट रात को नहीं। लाहौल में आपका स्वागत है, थैंक यू स्वागत करने के लिए। यहाँ पे कैंप साइट्स भी हैं और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मौसम हो रहा है ठंडा। और यहाँ से शिशु के लिए नीचे चला जाता है, नीचे शिशु की लेक है बस और कुछ नहीं है, हेलीपैड है एक नीचे, ये देखो ये दिख रही है शिशु की लेक नीचे, ये शिशु की लेक है और हेलीपैड है एक और कुछ नहीं है नीचे। मनाली वाला ब्लॉग देख लेना, नीचे गया था उसमें शिशु तक में, नाली वाले ब्लॉगों में तो क्लांग तक ही गया था। जैसे जैसे दिन ढला है इन पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है और बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिरने लगी हैं। तो रेन गेट तो मेरे पास हैं इधर, अभी मैं पहनूंगा नहीं, अगर बारिश ज़्यादा तेज होती है तो पहन लूँगा। हम हैं टंडी से 6-7 किलोमीटर पीछे हैं टंडी से और यहाँ भी रुक सकते हैं, कैंप साइट हैं। और अभी हम कलांग से है 13 किलोमीटर पीछे और यहाँ की बारिश होती है ठंडी बिल्कुल। ये सब गद्दी लोग हैं, अपनी भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ये देखो बाइकर्स विद पैनियर्स लगा रखे हैं भाई ने, हिमालयन पुराने वाली, और फ्यूल कैन भी हैं लगा रखे हैं। और ये सब रेंटेड बाइक हैं जिनके ब्लैक कलर के नंबर है, प्राइवेट नंबर है ना मेरे ख्याल से, रेंटेड है। तो ये एक्चुअली जो गाड़ी पीछे चल रही है ना वो ही करवाते होंगे ट्रिप मेरे ख्याल से, डायर करके एक सभी की जैकेट पे लिखा हुआ है, तो कोई कंपनी होगी जो लद्दाख टूर करवाती होगी, ट्रिप करवाती होगी। संख्या देखो इनकी संख्या काफी ज्यादा है, 2-3 ग्रुप हैं भेड़ों के, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बकरियों के और भेड़ों के। और यहाँ पे दो नदियों का मेल हो रहा है, टंडी है ये और यहाँ पे एक चंद्रा नदी का और दूसरी भागा नदी का यह मेल हो रहा है। देखो संगम स्थल है उनका ये और यहाँ से नदी चंद्रभागा बन जाती है। केलांग बचा है 2.3 किलोमीटर और सामने एक और खूबसूरत पहाड़ देखने को मिला है और धीरे धीरे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कलांग भाई। सो गाइस मैं हूं कलांग में और मैं रुका हूं चाय पीने के लिए और रुकना भी मुझे कलांग में ही है, बट चाय वगैरह पीता हूं उसके बाद ढूंढता हूं रूम, जायज प्राइस में कहीं रूम मिल जाते हैं। तो टाइम अभी हो रखा है 7:16 और अभी भी उजाला है, अंधेरा नहीं हुआ अभी भी। यहां पे डिनर वगैरह हो गया, अभी मैं चेंज करूंगा फिर करूंगा रेस्ट। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूं। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइज अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा आप सभी से लाहौल स्पीति सीरीज के सेकंड ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।